अस्सलाम वालेकुम। आई एम टीचर ऑफ क्लास 3। टुडे वी आर गोइंग टू रीड देम यूनिट नंबर 7, फोर्स। सो टेक आउट योर साइंस रीडिंग बुक एंड गेट रेडी फॉर द लेक्चर। ओपन द पेज नंबर 63। इन साइंस वर्क मीन्स यूजिंग फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट बाय पुलिंग एंड पुशिंग। फोर्स मेक थिंग्स मूव, चेंज डायरेक्शन, स्लो डाउन, स्पीड अप और चेंज शेप्स। फोर्सेज आर पुश्ड एंड पुल्स। Friction slows down moving object, gravity pulls everything down towards the earth. When something changes position, fall files up into the air. Non-stop or moving in any way, we saw that a force has actions upon it. There are many kinds of forces. Push and pulls are forces. Forces can also be produced by people, animal and machines. Wind and falling water can also act as force. फोर्स क्या है? ताकत है। जब भी आप कोई काम करते हैं उसके लिए आपको ताकत की जरूरत होती है। बाय पुशिंग एंड पुलिंग यानी कि किसी भी चीज़ को खींचने के लिए या धकेलने के लिए ताकत जो है वो इंसान करते हैं, इंसान ताकत लगाते हैं, जानवर भी और मशीन भी। यहाँ तक कि इन तीनों को फोर्स की, ताकत की जरूरत होती है। What is force? Forces are push and pulls. For example, when you write your exert of force on object pen or pencil because you push and pull it across the paper. Forces change the way things move whenever the speed or direction of motion or the shapes of an object is changing. We saw the forces are action to cause these changes. What can a force do? Force can cause object to change the shape. Forces change the way things move. Forces can cause object to speed up. Forces can cause object to move in a new direction. Forces can cause object to slow down. For example, when a drive push on the brakes of a moving car, it slow down. Force क्या है? ताकत है। Force जो है वो push करने को भी कहते हैं और pull करने को भी, यानी कि किसी भी चीज़ को खींचना या धकेलना। फॉर एग्जाम्पल, जब आप पेंसिल से जो है पेपर पर लिखते हैं तो जोर से लिखने से, फोर्स के साथ, ताकत से लिखने से जो पेपर है वो निब जो है वो क्रॉस हो जाती है। व्हाट कैन अ फोर्स डू? फोर्स क्या कर सकती है? फोर्स जो है वो किसी भी चीज़ की शेप को चेंज कर सकती है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। और जैसा कि जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं और फिर उसको पुश कर रहे होते हैं, यानी कि उसको धकेल रहे होते हैं, गाड़ी को चला रहे होते हैं, और जब आप ब्रेक लगाते हैं तो जो कार की जो मूविंग है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती है, वो कम होने लगती है। फ्रिक्शन इज द फोर्सेस प्रेजेंट व्हेन टू सरफेस थिंग्स रब टुगेदर। इट स्लो डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्सेस कैन कॉज ऑब्जेक्ट टू स्टार्ट मूविंग और कम टू अ स्टॉप। फ्रिक्शन यानी कि रगड़। जब भी दो चीज़ें किसी सतह पर आपस में मिलती हैं, रब होती हैं, तो उनकी जो मूविंग है वो ख़त्म होती है, कम होती है, और वो आहिस्ता आहिस्ता रुक जाती है। डियर स्टूडेंट, अब आपको यूनिट नंबर 7 फोर्स के डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं वो बोर्ड पर नज़र आ रहे होंगे। इनको आपने अपने रीडिंग बुक पर अंडरलाइन करना है और इनके मीनिंग्स जो हैं उसके ऊपर राइट डाउन करने हैं। फोर्स ताकत, एक्सर्ट फोर्स इजाफी ताकत, फ्रिक्शन रगड़, रब रगड़ना। आई होप स्टूडेंट अब आपको जो यूनिट नंबर 7 है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव नोट्स हैज बीन प्रोवाइडेड, सो यू शुड राइट ऑन योर साइंस नोटबुक्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।